हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोला कि एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज द फॉर्म ऑफ, कोई पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे है तो बताओ उसको किस फॉर्म में होगा। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो उसमें एक्स तो होता है, बट वाई डेफिनेटली कौन होता है? जीरो। एक्स एक्सिस जैसे मेरा कार्टेशियन प्लेन होता है, ये होती है एक्स एक्सिस, ये वाली, ये होती है वाई एक्सिस। अगर कोई पॉइंट इस एक्सिस पे कहीं पर भी लाई करेगा तो एक्स तो होगा, बट वाई क्या रहेगा? जीरो रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, एक्स एक्सिस पे एक्स से ज़ीरो, तो मेरा ऑप्शन मैच हो जाएगा सी। एनी पॉइंट ऑन द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स इज द फॉर्म, अगर वाई इज इक्वल टू एक्स है तो इनमें से कौन सा कोऑर्डिनेट इसके ऊपर लाई करेगा? तो देखो ध्यान से, यहाँ पर y और x इक्वल है, कोऑर्डिनेट की जो फॉर्मेशन होती है वो होती है x और y। ठीक है, कोऑर्डिनेट की फॉर्मेशन। अब यहाँ पर दोनों इक्वल हैं, तो यानी कि या तो दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब दोनों नंबर यहाँ पे क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, तभी इस इक्वेशन को वेरीफाई करेगा। तो वो कोऑर्डिनेट होगा जहाँ पर ये दोनों वैल्यू सेम मैच कर रही होगी। इसमें a माइनस ए सेम नहीं है, ये दोनों भी सेम नहीं है, ये दोनों भी सेम नहीं है, बट ये दोनों में वैल्यू सेम आ रही है, यानी कि यहाँ पर x y इक्वल और ये किसके इक्वल होंगे? a के। तो जो कोऑर्डिनेट रहा होगा इसमें x की जगह भी a आ जाएगा और y की जगह भी a आ जाएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है? इक्वल एक दूसरे के। तो आंसर हो जाएगा a। अब क्वेश्चन नंबर 9 में डिस्कस करते हैं क्या बोला गया है। द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इन अ फॉर्म ऑफ, कोई इक्वेशन है जो x एक्सिस के इक्वल है। तो इक्वेशन पूछी हमें, ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट नहीं पूछा। अगर x एक्सिस पे कोई मेरा पॉइंट है, एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट है, तो उसमें वाई क्या होगा मेरा? ज़ीरो रहता है। तो वाई इज इक्वल टू क्या रहेगी इक्वेशन इसमें? ज़ीरो। अगर एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट पूछा जाए तो ये होगा, अगर इक्वेशन पूछी जाए तो ये रहेगी, क्योंकि वाई की वैल्यू इस पर क्या रहती है? ज़ीरो रहती है। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, देखो जरा। 10 में बोला गया द ग्राफ वाई इज इक्वल टू 6 इज़ अ लाइन, ये कोई लाइन है, पैर ये बता रहे हैं चार में से कौन सा ऑप्शन इस पर वेरीफाई करता है। तो यहाँ बोला पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, जिसका डिस्टेंस 6 यूनिट होगा फ्रॉम द ओरिजिन, पैरेलल होगा वाई एक्सिस के, डिस्टेंस 6 यूनिट होगा फ्रॉम ओरिजिन से, मेकिंग एन इंटरसेप्ट 6 ऑन एक्स एक्सिस, मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑन 6 बोथ एक्सिस। ठीक है, तो पहले इसको प्लॉट कर लेते हैं ताकि हमारे बनाने में आसानी हो। y इज इक्वल टू 6, अगर मैं इसको बनाऊँ तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। चलो यहाँ देखते हैं, लाइन थोड़ी टेढ़ी होगी। ये मैंने लिया पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये मेरी एक्स एक्सिस होगी और ये मेरी वाई एक्सिस होगी। होने के बाद y इज इक्वल टू 6 है, यानी कि y की वैल्यू 6 ही रहेगी, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, चाहे x 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जो मर्जी हो, लेकिन y क्या रहेगा? 6 ही रहेगा। तो y 6 ही रहा। अगर मान लो x 2 रहेगा तब भी y क्या रहेगा? 6 ही रहेगा। दो पॉइंट मिल गए, दोनों को पास कर दो। ठीक, तो ये मेरी जो लाइन आ गई कुछ इस तरीके से होगी। अब ये लाइन पैरेलल किसके चल रही है? एक्स एक्सिस के। पैरेलल किसके? एक्स एक्सिस के ही है। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा ए, 10वें का आंसर हो जाएगा ए। तो अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है एक्स इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 2, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, यानी एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 2 को सेटिस्फाई करने वाले इनमें से कौन सी लीनियर इक्वेशन मेरी है। तो इसे हमें एक एक करके ट्राई करना पड़ेगा। एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 7, हमें एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है? 5। वाई की वैल्यू दे रखी है 2 इज इक्वल टू 7। जहाँ मेरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल मैच हो जाएगा वही मेरा आंसर होगा। 5, 2 2s are 4, 7 दोनों का ऐड के 9, 9 इज नॉट इक्वल टू 7, यानी आंसर ए नहीं हो सकता। बी को ट्राई करते हैं, 5x 2y इज इक्वल टू 7, एक्स की जगह 5, वाई की जगह 2, 7, 5 5 से 25, 2 2s are 4, ये भी 7 के इक्वल कभी नहीं आएगा। ऑप्शन सी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7, एक्स है 5, वाई है 2, दोनों को जोड़ा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, तो इसका मतलब
मेरा जो आंसर होगा वो होगा सी। चाहो तो आप डी को भी ट्राई कर सकते हो। एक्स की जगह पे 5, वाई की जगह पे 2। 5 5 = 25 प्लस 2, ये भी 7 के इक्वल कभी नहीं आ सकते। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है इफ़ अ लीनियर इक्वेशन एज अ सॉल्यूशन, कोई दो लीनियर इक्वेशन देगा जिसके सॉल्यूशन ये होंगे, बताओ इनमें से कौन सी इक्वेशन की ये सॉल्यूशन होंगी। तो हम इन पॉइंट को प्लॉट करके देखेंगे, जिसके अंदर ये पॉइंट सेटिस्फाई कर देंगे वही इसकी इक्वेशन होगी। तो ऑप्शन ए को ट्राई करते पहले, हमारा कोऑर्डिनेट है ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट को ट्राई करते हैं, -2 and 2। तो वाई की जगह देखो ये एक्स है और ये वाई है, वाई की जगह 2 रखा, एक्स की जगह -2 रखा, माइनस माइनस प्लस दोनों का ऐड किया 4, क्या 4 इक्वल है 0 के? 4 0 के इक्वल नहीं है, तो ये कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन के तो नहीं होंगे, यानी ऑप्शन ए तो मेरा कैंसिल होता है। ऑप्शन बी ट्राई करते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, एक्स कितना -2, वाई कितना 2, दो में से 2 गया 0 हो रहा है, ये कोऑर्डिनेट इसमें लाइक कर रहा है 0 0, इसे ट्रिप ट्राई करके देख लिया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, एक्स की जगह भी 0, वाई भी जगह 0, ठीक है, 0 = 0, दोनों इक्वल आ रहे हैं, ये भी इसको वेरीफाई कर रहा है। चाहो तो तीसरा पॉइंट में इसमें वेरीफाई करके देख सकते हो, तीसरा है 2 - 2, एक्स की जगह पे 2, वाई की जगह -2, 2 - 2 गया 0, तो यानी कि जो मेरा आंसर होगा वो होगा बी, क्योंकि तीनों कोऑर्डिनेट इसमें ही लाई कर रहे हैं। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में, ओके, बाय बाय, थैंक यू।